राजस्थान में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया। दूसरे चरण में यहां की 13 सीटों पर वोटिंग हुई। बीते दो लोकसभा चुनावों में 2014 और 19 में यहां की सभी 25 सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। इस बार पार्टी की तैयारी राज्य में हैट्रिक करने की है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि राज्य की कम से कम ऐसी 5 सीटें हैं जहाँ मुकाबला बेहद कांटे का है। इन 5 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इन रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इन सीटों पर स्थानीय मुद्दे बेहद प्रभावी हैं और इस कारण लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती मिलती दिख रही है। इस सूची में सबसे पहले नंबर पर आता है चूरू संसदीय सीट। यहाँ पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले गए थे। यहाँ पर 64% मतदान हुआ। यहाँ मुख्य लड़ाई कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल कस्बा और भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया के समर्थक राजेंद्र राठौर के बीच है। यहाँ की लड़ाई जाट और राजपूत की हो गई है। राहुल कस्बा 2019 में भाजपा के टिकट पर यहाँ से सांसद चुने गए थे, लेकिन 2024 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बगावत कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इस क्षेत्र में कस्बा और राठौर की आपसी लड़ाई से भाजपा काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। क्षेत्र में पीएम मोदी की रैली के बावजूद यहाँ लड़ाई भी बनी हुई है। नागौर, ये निर्वाचन क्षेत्र राजस्थान के जाट लैंड में आता है। ये मुख्य लड़ाई मिर्धा परिवार के भीतर हुआ करती थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। मिर्धा के ही एक पूर्व सहयोगी हनुमान बेनीवाल कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हैं और कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है। उनके सामने मैदान में भाजपा की ज्योति मिर्धा हैं। वो 2023 के विधानसभा चुनाव में पाला बदल कर कांग्रेस से भाजपा में चली गई थी। यहाँ 2019 में समीकरण बदला हुआ था। उस वक्त बेनीवाल भाजपा के समर्थन में मैदान में थे और उन्होंने कांग्रेस की ज्योति मिर्धा को हरा दिया था। ये कांग्रेस के बड़े नेता शीश राम ओला का क्षेत्र रहा है। वो 1996 से 2009 के बीच यहाँ से 5 बार सांसद चुने गए थे। 2013 में उनके निधन के बाद यहाँ भाजपा ने पकड़ बना ली। इस बार कांग्रेस ने श्री श्याम के बेटे ब्रजेंद्र सिंह ओला को उम्मीदवार बनाया है। इस क्षेत्र में भी भाजपा परेशानी झेल रही है। उसने अपने मौजूदा सांसद नरेंद्र कुमार का टिकट काटकर शुभकरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। नरेंद्र कुमार ने राजपूत समुदाय के बारे में विवादित टिप्पणी दी थी, इस कारण उनका बड़ा विरोध हुआ। दूसरी तरफ राज्य में राजपूत समुदाय को भाजपा का समर्थक माना जाता है। सीकर, राजस्थान की चौथी सीट है सीकर। इस जाट बहुल सीट पर भाजपा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के बीच कांटे की टक्कर है। यहां पर कांग्रेस के साथ गठबंधन में भाकपा ने अमरा राम को उम्मीदवार बनाया है। यहां पर भाजपा के 2 बार के सांसद सुमेधानंद सरस्वती को लेकर एक तरह की एक बैंसी की बात कही जा रही है। ये सीट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का क्षेत्र है। वो राज्य के प्रमुख जाट नेता हैं। इलाके में डोटासरा और आम्र राम की लोकप्रियता ठीक ठाक बताई जा रही है। दौसा, इस सूची की 5वीं सीट है दौसा। परंपरागत रूप से ये सचिन पायलट की परिवार की सीट है, लेकिन बीते एक दशक से यहाँ भाजपा का प्रभाव है। इस बार यहाँ की लड़ाई बेहद ही रोचक बताई जा रही है। यहाँ 2 मीणा उम्मीदवारों के बीच लड़ाई है। कांग्रेस ने यहाँ से 5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा को उम्मीदवार बनाया है। यह सचिन पायलट का क्षेत्र है और वो कन्हैयालाल के साथ खड़े हैं। उनकी जीत देखी जा रही है। इससे पहले 2004 में यहाँ से सचिन पायलट सांसद चुने गए थे।